हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज मैं आप लोगों के साथ समर स्पेशल आइसक्रीम शेयर कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट टाइप की है। चलिए बनाते हैं ये आइसक्रीम। रिपल आइसक्रीम बनाने में जितनी आसान है, खाने में उतनी ही लाजवाब है। ये है स्ट्रॉबेरी रिपल आइसक्रीम के इंग्रेडिएंट। स्ट्रॉबेरीज को क्लीन कर लीजिए, छोटे टुकड़ों में कट करके ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिए। इसे अब डाल दीजिए पैन में और साथ ही इसमें डाल दीजिए 1/4 कप चीनी और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे कुक करना है, जब तक ये थोड़ी सी थिक ना हो जाए। इस प्रकार की थिक हो जानी चाहिए। इसके बाद फ्लेम को बंद कर दीजिए, छान के ठंडा कर लीजिए। ठंडा हो जाने के बाद फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए रख दीजिए। उसके बाद हम इसे आइसक्रीम में यूज करेंगे। एक बाउल में 1 कप मीन्स 250 ml फ्रेश क्रीम ले लीजिए या फिर हैवी व्हिप क्रीम ले लीजिए। इसे हमें व्हिप करना है। पहले लो स्पीड में कीजिए, फिर फास्ट में कीजिए। अगर हैवी व्हिप क्रीम है तो 3 मिनट में और अगर फ्रेश क्रीम है तो 10 मिनट में ये व्हिप हो जाएगी। अब इसमें डाल दीजिए कंडेंस मिल्क। अगर व्हिप क्रीम स्वीट है तो 1/4 कप ही कंडेंस मिल्क डालिए। अब इसमें डाल दीजिए स्ट्रॉबेरी या फिर वेनिला एसेंस। इसे आधे मिनट के लिए और व्हिप कर लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद एयर टाइट कंटेनर या फिर केक टिन में आप इसे सेट कर सकते हैं। पहले एक लेयर इसकी डाल दीजिए और इसके ऊपर हम डालेंगे स्ट्रॉबेरी क्रस्ट जो हमने बना के फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। थोड़ा थोड़ा दूर दूर डाल दीजिए। फिर से इसके ऊपर एक और लेयर डाल देंगे व्हिप क्रीम वाली और अगेन डाल देंगे स्ट्रॉबेरी क्रश वाली। क्रश को रिपल आइसक्रीम में इसी प्रकार डालना है। अगर आपके पास व्हिप क्रीम बची है तो ऊपर और डाल सकते हैं, नहीं तो इस टाइप से कर लीजिए। व्हिप क्रीम डालने के बाद भी कर सकते हैं। मैं नाइफ से कर रही हूँ, आप स्पून से भी कर सकते हैं। मैंने इसे केक टिन में सेट किया है, इसलिए मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ सिल्वर फॉइल। अगर आपके पास इसका ढक्कन है तो आप वो लगा सकते हैं और फ्रीजर में इसे ओवरनाइट के लिए रख देना है। फ्रीजर में से निकालिए और सर्व कीजिए रिपल आइसक्रीम। इसी तरह से आप और भी फ्रूट्स की रिपल आइसक्रीम बना सकते हैं। ये दिखने के साथ ही खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। आप इसे बनाएं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। रेसिपी की लिंक को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।